फ्रेंड, मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, देखिए, जो लेआउट होता है, जो घर बनाने से पहले लेआउट करना पड़ता है, जैसे लेआउट होता है तो लेआउट कैसे कीजिए उसको हम इसका मतलब बताएंगे। तो किस तरह से लेआउट होता है उसका जानकारी बताएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो पूरा अंत तक देखिए, पूरा समझ में आ जाएगा किस तरह से जो लेआउट करते हैं घर बनाने से पहले। लेआउट करने के बाद वो जो कलम गड्ढा का दागी मारते हैं उसी का हिसाब से होता है। अगर लेआउट नहीं करने आता है तो दोस्तों कलम कैसे खड़ा कीजिएगा। जो घर बनाइए तो अभी तो कलम का घर चल रहा, अभी तो बुनियाद का घर नहीं चल रहा। बहुत जगह जाइएगा तो कलम का घर सभी जगह पे मिलते हैं, गरीब हो या बड़ा आदमी हो। तो दोस्तों देखिए, अगर कलम का घर बनाना है तो सबसे पहले ज़मीन को नापी कर लेना है। नापी का हिसाब से आपको मतलब जितना आपका ज़मीन है उसी का हिसाब से घर बना सकते हैं। तो मैं ज़मीन का पहले अगर नापी कर लें, अगर लेआउट करना है तो लेआउट आपको पता ही नहीं है तो कैसे कीजिएगा। तो आइए उसका जानकारी हम बताएंगे, तो आपको पूरा ए टू जेड नॉलेज में आएगा, तो आप कर सकते हैं। कहीं पे आप मिस्त्री लाइन में काम करते हैं तो आपको मतलब लेआउट करने हो करना सीखिएगा। बहुत मिस्त्री क्या करते हैं, लेआउट करना समझ में नहीं आता किस तरह से करते हैं। तो दोस्तों देखिए, लेआउट करना दिखाते हैं, यही जो हम इसकी का बगल में दिखाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा पूरा ए टू जेड किस तरह से होता है। ऐसे नहीं पता होगा तो हम इसको पूरा जिस तरह से लेआउट करते हैं हम लोग दूसरा जगह में जो घर बनाने समय, तो उसी का हिसाब से हम इसको दिखाएंगे, तो आपको पूरा ए टू जेड समझ में आ जाएगा। एक कोना में हम दिखाएंगे, आप चारों कोना निकाल सकते हो उसी तरह से। और नहीं अगर समझ में आएगा, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे जो जिसका लेआउट किया है उसका। और जो पहले भुर्ची बनाना है, भुर्ची कैसे बनाते हैं वो भी दिखाएंगे। दोस्तों भुर्ची क्या है, तो भुर्ची नहीं पता है तो हम दिखा देंगे भुर्ची क्या होता है। जो ऐसे जो क्या होता है, इस तरह से भुर्ची होता है, हम इसी तरह से लगाते हैं। बहुत जगह में आपको गड्ढा रहेगा तो ज़्यादा मतलब लेवल में रहना चाहिए, जितना भुर्ची है ऊपर में लेवल रहना चाहिए, नीचे आपको जितना रहेगा कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लेते हैं कहीं पर ज़मीन गड्ढा मिल गया, हो सकता है कहीं पर घर बनाइएगा तो पहले एक जैसा ज़मीन नहीं रहता है, कहीं पर गड्ढा रह गया तो गड्ढा को क्या कीजिएगा, वहाँ पर हाइट कर दीजिए भुर्ची को, और जहाँ गड्ढा नीचे रहेगा वहाँ पे आपको छोटा कर दिए तो मेरा ऊपर तरफ लेवल आ जाएगा। और लेवल कैसे करना है देखिएगा, बहुत इंजीनियर ने दूरबीन जैसा ऐसे देखते हैं उस तरह से, तो उसका फिर दिखा देंगे हम कैसे दिखते हैं। तो दोस्तों इस तरह से भुर्ची बना लेना, और भुर्ची हम देखिए ऐसे में हम धागे मारते हैं, तो चलिए दिखाते हैं धागा कैसे लगाते हैं। और भुर्ची के इस तरह से धागा लगाना है, जो लेआउट करने से पहले ऐसे लगाना है। देखिए इसको बढ़िया से बांध देना, और इसका हिसाब देखिएगा, इसका और दोस्तों इसको टाइट करके खींच लीजिएगा, ऐसा नहीं है जो लूज रहेगा। और यहाँ पे भी बांध देते हैं, दोस्तों देखिए भुर्ची बनाने के बाद इस तरह से धागा लगा दीजिएगा, जैसे भुर्ची का लेवल में धागा लगा दीजिए। और ऐसे आप सोचिए कि ऐसे लगा दिया धागा और ये हो गया। दोस्तों हम इसको मोटा धागा लगाइए, मतलब इसका रस्सी लगाइए हम, तो आप लोग धागा लगा सकते हैं इस तरह से धागा। हम इस तरह से धागा लगाए थे अभी तो समझ में नहीं आ रहा था, जो कैमरा में इसको छत सफ़ेद है और धूप दे रहा था इसलिए समझ में नहीं आ रहा, इसलिए धागा को हटा दिए। लेकिन समझ में नहीं आएगा तो आप लोग कैसे पता चलेगा, तो आप लोग इस तरह से रस्सी मत लगाइए, इस तरह से रस्सी नहीं चाहिए। आप लोग जहाँ लेआउट कीजिएगा सही से तो आप लोग इस तरह से धागा लगा दीजिए। देखिए इस तरह से धागा लगा दीजिए, मतलब इसमें नज़र नहीं आ रहा था इसलिए इसको हटा दिए, इमटा जैसा लगाए हम आप लोगों को समझाने के लिए, ताकि आप लोगों को गलती ना हो। और इसको क्या करना, देखिए पहले गुनिया मिला लेना है, उसके बाद जो कलम खड़ा कीजिएगा कलम का दागी मारना है। और कलम का दागी कैसे मारना है वो हम बताएंगे, तो पहले गुनिया मिलाएंगे उसके बाद ही कलम का दागी होगा। और नहीं तो आप सोचिएगा हो गया कलम का दागी मार दें, तो ऐसे कीजिएगा तो लिया मतलब कलम जो है आउट हो जाएगा, उसका सही से मिलेगा नहीं, घर का नापी सही से नहीं आएगा,
और कलम आउट हो जा सकता, दीवार से निकल जाते हैं नहीं तो अंदर चल जाते हैं। ऐसा गलती नहीं करना, ध्यान से करना। और आगे क्या करना, देखिए इस तरह से धागा लगा लेना, छोटा छोटा धागा लीजिएगा। तो इसको ना पहले गुनिया मिलाइएगा, इसको गुनिया, तो गुनिया कहाँ से मिलाना है, देखिए ये को धागा हो गया और ये को धागा हो गया, ये धागा को कोना में लेना है, गुनिया कोना से मिलाना है। जैसे वहाँ से भी नहीं मिलाना है, वहाँ से भी नहीं मिलाना है, ये कोना से पकड़ना है, टेप इंची टेप से होता है, ये जो इंची टेप है ये कोना से पकड़िएगा। ध्यान से देखिए आप वीडियो, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत मिस्त्री ऐसे समझाएगा नहीं दोस्तों जैसे हम समझा दे रहे, लेकिन हम दूसरा जगह में कलम खड़ा किए, लिए आउट किए, सब कुछ किए, लेकिन वीडियो नहीं दे पाए, इसलिए नहीं दे पाए। वहाँ पे बहुत सारा गाना चल रहा था और हल्ला हो रहा था, तो अब हम वीडियो बनाने की कोशिश किए लेकिन सुना ही नहीं पड़ा, इसलिए वीडियो हटा दिए। और ऐसे आप दूसरे जगह में आवाज़ लगाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ से नापी करते हैं 3 फीट, देखिए ये कोना से 3 फीट, ये 3 फीट यहाँ आ रहा, तो आपके पास हेल्पर रहेगा तो वो लोगों को धागा बना मारने दीजिएगा। देखिए धागा इस तरह से मार दीजिए, ऐसे गिट्ठा लगा दीजिए, और गिट्ठा ऐसे लगा दीजिए जैसे घसकना चाहिए, ऐसा नहीं है पूरा फिक्स हो गया। देखिए इसको फिर से नापी कर लेते हैं, तो थोड़ा इधर आएगा, पूरा सही से रखना है, एक सूत इधर उधर नहीं चाहिए। जब कलम खड़ा कीजिए दोस्तों एक सूत इधर उधर नहीं चाहिए, मान लेते हैं ये एक सूत चला गया इधर, तो जो लंबाई जाएगा आपको 40 फीट तक, तो कितना भागेगा पता है, ऐसा नहीं करना है, तो पूरा क्लियर लेना है सही, तो आपको सही आएगा। और इधर मिलाना है आपको 4 फीट, इधर 3 फीट जैसे मिला है तो इधर 4 फीट, मतलब एक तरफ 3 फीट लेना है तो एक तरफ 4 फीट दोस्तों, यहाँ से लेना है 4 फीट, तो यहाँ से 4 फीट मेरा यहाँ तक आ रहा। देखिए यहाँ से भी धागा बांध लेना है, आपको धागा बांधना समझ में नहीं आएगा दोस्तों, तो मेरा आवाज़ जो है आवाज़ सही से दे रहा वो सही है, और इसको फिर से और एक बार चेक कर लेना है, तो मेरा इधर सरकेगा तो सरका देते हैं। देखिए पूरा 4 फीट हो गया यह कोना से, और इसको कैसे रखना है देखिए, मतलब एक सूत क्लियर रहना चाहिए इसको अंदर, थोड़ा सा हाफ इंच चलेगा, 1 इंच भी चलेगा, नीचे ऊपर रहना चाहिए, पूरा ऐसे दबा के नहीं रखना, दबा के रखिएगा तो इधर उधर हो सकता है, जैसे क्लियर रहना चाहिए। और इसको कैसे मिलाना देखिए, मेरा जो एक धागा है उधर ज़मीन इधर ज़मीन से पूरा सही ले लेना है एक धागा, बाकी धागा जो है उसको घसकाना है, तो मेरा इसको 5 फीट ले रहा है, गुनिया सबसे पहले करना है। तो देखिए हम अभी आप अकेले कर रहे हैं, और किसी को करने दीजिएगा, मतलब अरे हेल्पर रहेगा तो हेल्पर को लगाइएगा, और देखिए इस तरह से 5 फीट आना चाहिए। तो दोस्तों 5 फीट होने में मेरा 1 इंच घट रहा है, तो 1 इंच घट रहा है तो क्या करना, देखिए यही वाला को हम उधार करते हैं पीछे तरफ, तब 1 इंच बढ़ेगा। तो देखिए इसी को घस कर, इसको हाथ लगाना नहीं है, तो देखिए इसको इधार कर देते हैं, इधार कर दिए, फिर इसको मापी कर लेते हैं 5 इंच 5 फीट आ रहा कि नहीं। तो दोस्तों ज़्यादा हो गया तो फिर से थोड़ा सा काम कर देते हैं, आप इसमें हम इसमें दिखा रहे हैं इसलिए दिक्कत हो रहा है, अकेले हेल्पर रहेगा तो हेल्पर को वहाँ पे रख दीजिएगा, हेल्पर को घसकाने बोलेगा हल्का हल्का, जैसे पूरा नहीं है तो आराम से आएगा, आसानी से होगा। दोस्तों पूरा 5 फीट सही आ गया है, देखिए उधर सटा हुआ है और इधर भी सटा हुआ है, ये धागा का, ये धागा जो किए हैं उसी से हिसाब से पूरा सही आ गया, मतलब एक कोना मेरा सही आ गया। और इसको क्या करते हैं देखिए, मेरा भुर्जी जो है हटाना नहीं है, मेरा जो भुर्जी है हटाना नहीं है, और आगे क्या कर रहा है देखिए, इसको अगर साहूल से ये कोना से साहूल पकड़िएगा और इस तरह से टिपका दीजिए, नहीं तो छोटा जैसा गिट्टी रहेगा ये बालू का गिट्टी, इसे टिपका दीजिए, ये 20 सेंटर आ गया है, ये जैसे 20 सेंटर आ गया है, तो आपका कलम गड्ढा कितना रखना है, मान लेते हैं 3.5 फीट का स्पेस रखिएगा, तो 3.5 फीट का जैसे सरिया डालिएगा नीचे जाली का, तो आपको 4 फीट गड्ढा मतलब करवाना होगा। तो 4 फीट कैसे कीजिएगा देखिए, यहाँ से नापी कीजिएगा 2 फीट का, यहाँ से 2 फीट,
तो आगे इधर भी 2 फीट कर लीजिएगा, तो यहाँ पे 2 फीट, इसलिए इसको दूरी में रखे हैं। और इधर से भी 2 फीट, इधर से 2 फीट और इधर से 2 फीट। तो मेरा जैसे 2 फीट का आ गया, तो ऐसे नापी नहीं देना है, फिर से ऐसे कर दीजिएगा। देखिए सीधा करके 2 फीट जैसे दाखी दे दिए, इसी का हिसाब से। थोड़ा दोस्तों ज़्यादा हो गया तो चलेगा, जैसे घटना नहीं चाहिए। इसका नीचे जाली देंगे, उसके बाद कलम खड़ा करेंगे। और देखिए इसको अभी हटाना नहीं है, धागा को हटाना नहीं है, मतलब जितना आपका कलम होगा पूरा कर लीजिएगा, उसके बाद धागा को हटाए। धागा को हटाने से पहले और एक बार दागी मार लेना है। कहाँ कहाँ दागी मारना, देखिए यहाँ पे ये जो दोस्तों ये जो भुर्ची है, भुर्ची सही से लगा लेना, जैसे फिक्स हो जाना चाहिए, जैसे हिलना नहीं चाहिए और कोई हिलाएगा नहीं, हिलाने से गलती होता है। और यहाँ पे दागी मार लेना है, जहाँ धागा लगा हुआ है, ये धागा जहाँ लगा हुआ है वहीं पे दागी मार दीजिएगा, इधर उधर नहीं चाहिए, चारों में दागी दे देना है। देखिए जितना भुर्जी बनाए हैं उसी में दागी मार देना है सही से, और इसको हिलाना नहीं, जब तक कलम नहीं खड़ा हो जाएगा तब तक हिलाना नहीं। कलम खड़ा होने के बाद जब टाइमिंग ढला हो जाएगा तब उसको भुर्ची हटा देना है। धागा हटा सकते दोस्तों, और धागा कब हटाना है उसका भी देख बता देते आपको, तो आप समझ में आएगा। तो दोस्तों पूरा लेआउट हो जाएगा, एक बार पुनिया मिला दिए और कलम गट्टा का दिखा दें आपको, और पूरा सारा हम दिखाएंगे तो दोस्तों पूरा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, तो उतना हम दिखा नहीं पाएंगे। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बता सकते, हम बता देंगे। और दोस्तों आज देखिए दागी मार दिए, इसको अब हटा दिए, जैसे इसको हटा दिए, मान लेते हटा दिए, आपको और कुछ देखा है, हटा दिए। हटाने के बाद क्या करना है, इसको गड्ढा जो है खुदवा लेना है पूरा इतना साइज का, और जो सरिया है इसका जाली डाल देना है, ढलाई करने के बाद जाली डाल देना है, थोड़ा सा ढलाई करने के बाद 2 इंची का ढलाई का पीसी से ढलाई करने के बाद जाली डाल देना है, उसके बाद कलम जैसे खड़ा कीजिए, इसको हटा देना है, हटा दीजिए, नहीं तो जाली डालने के बाद रिंग दे दीजिएगा, इसका वीडियो में डिस्कशन में लिंक दे देंगे, आप देख सकते इस तरह से रिंग होगा साथ साथ का, जितना बार कलम रखिएगा उस तरह से रिंग दे दीजिएगा, इस तरह से जाली मेरा इतना रहेगा। कलम गड्ढा ज़्यादा किए हैं तो मेरा जाली जैसे ऐसे रहेगा। और दोस्तों देखिए जाली में ऐसे एल होना चाहिए, एल जाली में एल होना चाहिए, ये ध्यान दीजिए बहुत ज़रूरी है, सभी में एल होना चाहिए, इस तरह से वैसे एल होना चाहिए सभी जगह में। धागे में जैसे ऊपर तरफ एल को रहना, ये जो एल है ऊपर तरफ रहना है, और इसमें हम इसको जाली बैठा दिए पहले, और इसको रिंग है को रिंग डालिएगा। रिंग कैसे डालना, देखिए मेरा साहुल नहीं है अभी, साहुल काम का साइड में है इसलिए आपको दिखाते, यही धागा है, धागा तो इस तरह से मिला लेना है, ऐसे टिपकाइएगा, ये 20 सेंटर है, दागी मार दीजिएगा, ये सरिया का मैं दागी मारिएगा, ये सरिया, और ऐसे कीजिएगा सरिया में, फिर से सरिया में दागी मारिएगा, इसमें सरिया में दागी मारिएगा, जहाँ धागा है उस सरिया में, और यहाँ से सरिया में, सरिया में दागी ऐसे मारिएगा, जिस तरह से धागा है लंबाई तो लंबाई दागी मारिएगा, ऐसा नहीं। और क्या करना, देखिए यहाँ से हम धागा खींचेंगे, साउथ का धागा है, और यहाँ से, और ये रिंग को चारों कोना में सही से बैठा लेना है, सही से पूरा बैठ जाएगा, मतलब यह स्पेस सही रहना है, यह स्पेस जितना है ये स्पेस भी उतना रहना है, ये स्पेस जितना रहना है ये भी स्पेस इतना ही रहना है सही सही। और इसको हटा दीजिएगा, धागा को हटा देते हैं, देखिए इसको हिलाना नहीं है, जो ये वाला जो ईटा है इसको भुर्ची जो है हटाना नहीं है, वैसे ही सही के जगह रख देना, इसको हटा दिए। और इसको क्या कहते, नहीं हटाएंगे तो मेरा कलम नहीं खड़ा होगा, तो इसको कलम जाली तो बैठा दिए, रिंग तो डाल दिए, अब कलम लाइएगा, और जो कलम का जो रिंग बनता है खाँचा बोलते हैं, खाँचा जो बंधा हुआ है रिंग का, तो वह जो एल किया हो कलम में, कलम में जो सरिया 12 mm का हो, 16 mm का जो कलम खड़ा कीजिएगा, तो एल जैसे रहेगा, ये एल को इधर घुमाना है कोना तरफ, ये कोना तरफ,
ये कोना तरफ, ये कोना तरफ, सही से चारों कोना होना चाहिए और ऐसे खड़ा होगा इसे। और रिंग देखिए, रिंग ऊपर तरफ बंधा हुआ, नीचे भी उसी का लेवल में बंध देना है। सही से ये कलम सही से खड़ा हो गया। फोर जो बगल में दागी दिए उसका भी वैसे ही कीजिएगा। तो दोस्तों इसी तरह से आप बना सकते हैं, ध्यान से।